हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में रेफरेंस टाइप के बारे में। तो रेफरेंस टाइप के बारे में आज हम जान लेते हैं। रेफरेंस टाइप का यूज़ सबसे ज़्यादा बुक्स बनाते टाइम यूज किया जाता है। जब हम कोई बुक्स की डिज़ाइनिंग या पूरा पैराग्राफ लिखते हैं ना, तब हम रेफरेंस टाइप का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेफरेंस टाइप में आप देख सकते हैं, सबसे पहला कंटेंट जो हमारे सामने आता है वह टेबल एंड कंटेंट्स। टेबल एंड कंटेंट्स का यूज किस लिए किया जाता है? सबसे पहले टेबल एंड कंटेंट्स का यूज किया जाता है हमारे पूरी बुक्स में कितनी हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग देखने के लिए टेबल एंड कंटेंट्स का यूज किया जाता है। सिंपल सा टेबल एंड कंटेंट्स पर क्लिक करिए और कंटेंट्स कर दीजिए, तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंटेंट्स। टोटल हेडिंग हमारे सामने लिख के आ जाएगा कौन सी हेडिंग कितने पेज नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक नंबर पेज पे ऑन द अदर डॉक्यूमेंट, ये एक एक पेज पे, एक नंबर पेज पर है, और ये सेकंड पेज पे, ये थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे यहाँ पर लिख कर आ रहा है। दोस्तों, यदि आप मान लीजिए कोई सी हेडिंग चेंज कर देते, फॉर एग्जांपल मैंने अदर डॉक्यूमेंट है इसकी जगह पे, या अदर डॉक्यूमेंट है इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया केवल डॉक्यूमेंट लिख दिया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे लिखा आ रहा है अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपडेट नहीं हुआ, तो इसको अपडेट करने के लिए दोस्तों सिंपल सा अपडेट टेबल पे आप क्लिक कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया अपडेट टेबल। इसके बाद होता है एड टैक्स। एड टैक्स के माध्यम से भी आप हेडिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इस पर कोई हेडिंग लगाना है, तो आप इसको यहाँ से पहले तो ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आके कोई भी हेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसको दोबारा अपडेट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी हेडिंग लग गई है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हेडिंग लग गई है, पहले ही पेज पे यहाँ पे आपकी, सॉरी सेकंड नंबर पेज पे आपकी हेडिंग बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फुट नोट की। फुट नोट का यूज दोस्तों सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल फुट नोट का यूज होता है पैराग्राफ खत्म करने पर। ये मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे मैं पैराग्राफ के लास्ट में आया और मैंने इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करा। फुट नोट हमेशा जो नोट होता है वो हमारा पेज के लास्ट में होता है। आपका पहला पेज होगा तो पहले पेज के लास्ट में आपका एंटर होगा, लेकिन होता पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ का फुटनोट आपका यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस पैराग्राफ इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। आप इस पैराग्राफ में अब इस पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये नोट लगा हुआ आ रहा है कि दिस पैराग्राफ इज नॉट कम्प्लीट, मतलब आप अपने पैराग्राफ को यहाँ पे कम्प्लीट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने, ये तो फर्स्ट पेज पर था, मैंने सेकंड पेज पर गया, मैंने सेकंड पेज के सबसे लास्ट में या सबसे लास्ट वाले पे मैंने क्लिक करा और इस पर फुट नोट लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ही सेकंड पेज पे दो तीन लगा चुका हूँ, एक तीसरा और लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस कम्प्लीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नोट लगा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे, मैं दोस्तों यहाँ पे मैंने काफ़ी नोट लगा दिए। अब यदि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना, मेरे नोट्स कहाँ कहाँ पर लगे हुए, तो आप इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखते जाएंगे दोस्तों। आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर वो बताता जाएगा कि आपके फुट नोट कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शो नोट्स। अब एक होता है इंसर्ट एंड नोट, ये तो फुट नोट था। ये फुट नोट जो होता है वो हमारे एक पेज पे जैसे मान लो इस पेज पे मैंने लगाया, तो इसी पेज के वो नीचे लिखा हुआ आएगा। लेकिन एंड नोट जो होता है वो पूरा, जैसे मान लो मैं इस पैराग्राफ में लगा दूँ या कई पेजों पे, कितने पेजों पे लगा देता हूँ मैं नोट, ठीक है, वो हमारे लास्ट वाले पेज में ही हमको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फर्स्ट पेज के सेकेंड पैराग्राफ में मैंने एंड नोट लगाया। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट पेज में ऑटोमेटिक पहुँचा हूँ। देखिए, आप पाँच नंबर पेज पर आ गया, ये मेरे पांचवे पेज का लास्ट पेज है। ठीक है, लास्ट एंड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वसीम खान। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं फोर्थ नंबर पेज के लास्ट में एंड नोट लगा देता हूँ, वो भी पाँच नंबर पेज पर ही आएगा और उसे यहाँ पर मैंने लिख दिया खान। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर थर्ड पेज पर आया, थर्ड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में फिर भी एंड नोट लगा देता हूँ, तो एंड नोट हमारा लास्ट पेज पर ही लगता है। अब मैंने सिर्फ लिख दिया, मतलब मैंने तो ये एग्जांपल दिया है पैराग्राफ में, तो वो मिस्टेक्स वगैरह या जो भी आपका पैराग्राफ कंप्लीट नहीं है, कोई भी एरर को आप एक कमेंट के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक
ठीक है। अब आप दोस्तों आपको ये पता करना है कि मेरे कितने पैराग्राफ, कितने फुट नोट कहाँ कहाँ पर लगे हैं, तो मुझे चेक करने के लिए कहीं पर भी आप एक खाली जगह पर क्लिक करिए और शो नोट पर क्लिक कर दीजिए। तो शो फुट नोट पर सबसे पहले मैं फुट नोट आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा कि आपके इस वाले पहले पेज पे, मतलब सेकेंड नंबर पेज पे इतने फुट नोट यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको शो, अब दोबारा क्लिक करिए शो एंड नोट करना, तो आपको लास्ट पेज में ले जाके बता देगा कि आपके लास्ट वाले पेज में इतने शो नोट लगे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ कहाँ लगे। तो आप शो नोट पर क्लिक करके आप सिंपल से एंड नोट सेलेक्ट करिए और बार बार शो नोट पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपके कहाँ कहाँ एंड नोट लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिटीजन व्यू आइवियोग्राफी पे। व्यू आइवियोग्राफी होती क्या है कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ लिया, ये पैराग्राफ को मैंने अदर बुक से लिया हुआ है, तो मुझे उसकी उसका ऑथर, उसकी ईयर वगैरह या टाइटल वगैरह उसका डालना ही पड़ेगा, मैंने ये किस बुक से लिया हुआ है, यदि आपका कॉपीराइट कंटेंट ना आए। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं बुक लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑथर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डॉक्टर शिव है, यहाँ पर इसके ऑथर कौन है, डॉक्टर शिव, मैंने उनको ऑथर या कॉर्पोरेट ऑथर के लिए यहाँ पे उसका टाइटल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल उनकी बुक का टाइटल था MS वाइट, ठीक है, और उनकी बुक ईयर कब, मतलब उन्होंने कब बनाई थी, 2011 में, और वो पब्लिश कब हुई या किस कंपनी ने उसको पब्लिश किया, तो मैंने यहाँ पे M&B लिखा और उसका ईयर डाल दिया 2012 और एंड ओके कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पे उसके सामने सब लिखा है डॉक्टर शिव 2011, इनके उसका ये टाइटल है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे सेकंड वाले पे लिया, फिर इसको मैंने इंसर्ट ऑप्शन पे करा, या मैंने सोर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोर्स पे करके, यहाँ पे मैंने सोर्स पे पूरा ऐड हो जाता है, और इंसर्ट का ऑप्शन पे यहाँ पे उसका ऑथर का नाम लिख के आ लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकेंड ऑथर लिया, ठीक है, चौथा ऑथर का नाम था वसीम खान, ठीक है, मैंने इसको कॉपीराइट ऑथर करा, इसके बाद टाइटल दिया, इसके बुक का टाइटल था MS Excel, ठीक है, और ये ईयर कब है इसका, 2020 का, ठीक है, और उसको पब्लिश किसने किया, M&B ने, ठीक है, इसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये इसके सामने सब लिख के आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों के ऑथर का यहाँ पे एंट्री हो गई होगी, डॉक्टर शिव डॉक्टर वसीम, ठीक है, आपके सामने ये आ रहा है। अब मैंने जो ऑथर होता है किसके लिए, मैंने ऑथर होता है यदि आप कॉपी कंटेंट करना है, तो आप यहाँ पे कॉपी कंटेंट का क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपको उसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे जैसे वसीम खान को मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे सिंपल से इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा, या इस पर कोई एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, या फिर मुझे न्यू ऑथर लेना है तो यहाँ पे मैं न्यू ऑथर ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ से ऑथर वगैरह में, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह आपको चेंज करना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यदि आपको व्यू आइवियोग्राफी पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे व्यू आइवियोग्राफी का यूज होता है, आपके यहाँ पे कितने ऑथर वगैरह का आपने यहाँ पे एंट्री करी हुई है, तो यहाँ पे वो इसके यहाँ पे लिख के दे देगा कि व्यू आइवियोग्राफी में डॉक्टर शिव 2011 एमेजोन इनकी बुक थी, और M&B ने इसको 2012 में पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड वाले कंटेंट का दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के। इंसर्ट कैप्शन का ही दोस्तों यूज होता है डाइग्राम में, यहाँ पे मैं दो तीन डाइग्राम, जब मान लीजिए आपकी कोई बुक है, आपकी बुक में यदि आप कोई भी चित्र वगैरह लगाते हैं, कोई पिक्चर ऐड करते हैं, ठीक है ना, उस पिक्चर का आपको नाम देना ही पड़ता है, क्योंकि आपने बुक भी देखी होगी तो हर पिक्चर पे उस पिक्चर का नाम आता है। तो यहाँ पे मैंने दो तीन शेप ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। थर्ड पेज पर आया, यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ, ये मैंने ले। अब इसके बाद मैं फर्स्ट वाले शेप पर गया, इस पर क्लिक करा, रेफरेंस पे आया, इसके बाद इंसर्ट कैप्शन करा, यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी इस डाइग्राम का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया MS बर्ड, इसका नाम मैंने ये लिख दिया, इसके बाद मैंने ओके करा और ओके करा, तो इस डाइग्राम का जो नाम है वो MS बर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं सेकेंड डाइग्राम पे आता हूँ या थर्ड डाइग्राम पे मैं डायरेक्ट पहुँच गया, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन करूँगा, यहाँ पे इसका नाम MS बर्ड 2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड या सेकंड वाइड डायग्राम है, इसका नाम है कुछ भी, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं जहाँ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, MS Excel लिख देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे जो मेरे डायग्राम थे उनके यहाँ पे नाम लिख के आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, यदि मैं चाहूँ तो फिगर पे एक टेबल इंसर्ट करके देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने डायग्राम बनाए हुए थे या कितनी मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई थी, तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल के माध्यम से फिगर्स देख सकते हैं पूरों का, और आपको यदि इसके पूरे डायग्राम के देखना हो कि आपने कितने डायग्राम
डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे सिंबल से आप क्लिक करिए, जैसे एम एस वर्ड, ठीक है ना, एम एस वर्ड एंड टू। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया एम एस वर्ड वन और एम एस वर्ड टू, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं आया, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल का लिया था तो एक एक्सेल ले लिया, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इन पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो मेरे डायग्राम पे मुझको पहुँचा देंगे कि आपका ये डायग्राम था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्रॉस रेफरेंस को। हम क्रॉस रेफरेंस में आप डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यदि आपने कोई पैराग्राफ या हेडिंग, कितनी हेडिंग ली हुई है, आप उनको भी इंसर्ट करा के यहाँ पे डायरेक्ट उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है इंडेक्स। इंडेक्स में हम कोई भी चीज़ मार्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यू कैन को मैंने मार्क करा, कोई भी वर्ड को आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिल्डिंग को मार्क कर लिया, ठीक है, और यह मैंने यहाँ पे चेंज को मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतनी चीज़ों को मार्क कर लिया। अब मैं कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं, और यदि आप शो इन हाइट के आइकॉन को चाहते हैं यहाँ पे हटा सकते हैं सिंपल सा आप। अब मुझे ये सब चीज़ें वापस चाहिए तो यहाँ पे इंडेक्स करूँगा, इसकी एक टेबल बन के मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्डिंग को हाइट करा था, मतलब मार्क करा हुआ, यू कैन को मार्क करा था और चेंज को मार्क करा था, तो मेरे सामने आ गए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल एंड ऑथोराइज। टेबल एंड ऑथोराइज को भी हम मार्क करते हैं मार्क, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम लिखे, ठीक है, तो मैं डायग्राम को डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम लिखे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम लिखा एप्पल, ऑरेंज, बनाना, या कुछ जीन्स, शर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर पार्ट्स के नाम दे दिए, कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने माउस, इस टाइप से मैंने कुछ के नाम दे दिए। अब मैं इनको मार्क करता हूँ। मैंने एप्पल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मार्क करा, और यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी दे दूँगा, यहाँ पे क्या एप्पल क्या हमारा फ्रूट है, तो यहाँ पे फ्रूट की कैटेगरी ली, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है दोस्तों। ऑरेंज को लिया, मार्क करा इसकी फ्रूट कैटेगरी, इसको मार्क कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना को लिया, मार्क पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी चेक करूँगा, इसके बाद मार्क कर दूँ। इसके बाद मैंने जीन्स को लिया, यहाँ पर मार्क करा, और यहाँ पर इसकी मैंने कैटेगरी जो है वो क्लॉथ है, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर शर्ट को लिया, और यहाँ पे मैंने इसकी कैटेगरी क्लॉथ है। इसके बाद मैंने कीबोर्ड को लिया, इसकी कैटेगरी कंप्यूटर पार्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट को लिया और मैंने मार्क कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने माउस को लिया, इसकी कैटेगरी कंप्यूटर पार्ट, मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सबको मार्क कर लिया। इसके बाद मैं खाली जगह एंटर करा। अब मैं यहाँ से इसको शो एंड हाइट का आइकन को हटा देता हूँ और रेफरेंस पे आऊँगा। उसके बाद इंडेक्स टेबल, यानी कि टेबल को इंडेक्स करना है, तो यहाँ पे मैंने एक एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रूट की टेबल जो थी यहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये 3 नंबर पेज पे पूरी एंट्री है। क्लोज की 3 नंबर पेज पे एंट्री है और पार्ट्स की 3 नंबर पेज पर एंट्री, क्योंकि मैंने सभी को 3 नंबर पेज पर लिखा हुआ था। दोस्तों ये आपकी रेफरेंस टाइप पूरी कंप्लीट हो गई है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में आई है तो मेरे चैनल और इस वीडियो के लिंक पर नीचे कमेंट करें या मुझसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।